हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको किसी फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं बताएंगे, बल्कि आपको ये बताने वाले हैं कि भोजपुरी की फिल्म रानी वेड्स राधे का ट्रेलर रिलीज हुआ है और उसके साथ ही उस फिल्म का म्यूजिक भी लॉन्च हो चुका है। तो हम इस फिल्म के ट्रेलर रिव्यू के बारे में बात करेंगे। इस फिल्म का ट्रेलर आपने देख लिया होगा। इस फिल्म का ट्रेलर अगर आपने नहीं देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस फिल्म का ट्रेलर का लिंक दे देंगे हम आपको, तो वहां से जाके आप ट्रेलर को जरूर देखिए। तो रानी वेड्स राधे में लीड रोल में है रितेश पांडे और उनके अपोजिट में है रानी चटर्जी। दोस्तों, ये फिल्म का ट्रेलर जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि इस फिल्म में कुछ नया होगा, भोजपुरी लीग से हटके बनाई होगी इस फिल्म में। लेकिन जब मैं इस फिल्म का ट्रेलर देखा और जब फिल्म का ट्रेलर का शुरुआत की मैंने और जैसे फिल्म बीच पहुंची ट्रेलर में और एंड हुआ ट्रेलर का, तो एंड होते हुए मैं समझ गया कि इस फिल्म के ट्रेलर में कुछ नयापन नहीं है, इस फिल्म में कुछ नयापन नहीं है। फिल्म के गाने वही पुराने घिसे पिटे गाने हैं, वही अश्लील गाने हैं। और जब तक कि इस फिल्म की स्टोरी लाइन भी हिंदी फिल्म शादी में जरूर आना से कॉपी की हुई है, तो हम ये कहना चाहते हैं इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से, इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है वंदना गिरी ने और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है प्रशांत कुमार गिरी जी ने। तो दोस्तों, अगर आपको फिल्म बनानी है तो एक बेहतर फिल्म बनाई है, क्योंकि ऑडियंस आज इतनी एडवांस हो चुकी है, उन्होंने हर टाइप की फिल्म देख चुकी है। तो आप अगर ये सोचते हैं कि किसी भी हिंदी फिल्म या फिर किसी भी साउथ फिल्म की कॉपी करके अपन भोजपुरी में बनाते हैं फिल्म चल जाए, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब आप कुछ नया करना पड़ेगा। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को अगर आगे बढ़ाना है तो आप लोग कुछ करना पड़ेगा। हम आप लोग एक साथ में हैं, अगर आप एक कदम आगे बढ़ाओ तो हम दो कदम आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने इस फिल्म का ट्रेलर नहीं देखा है तो जरूर देखिए, और इस फिल्म के गाने भी लॉन्च हो चुके हैं तो जरूर सुनिए। गाने अच्छे हैं, उतने बुरे भी नहीं कि नहीं सुने जाए। इस फिल्म के ट्रेलर से और इस फिल्म का टाइटल से रानी वेड्स राधे से बहुत खास उम्मीदें थी, लेकिन ये फिल्म का ट्रेलर हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं पहुंच पाया। तो देखते हैं फिल्म कितना कलेक्शन कर सकती है बॉक्स ऑफिस पे। बात करेंगे इसी फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जब ये फिल्म रिलीज हुई। फिलहाल इस फिल्म का रिलीज डेट कन्फर्म नहीं हुई है, और जब भी इस फिल्म की रिलीज डेट कन्फर्म होगी तो हम आपको बता देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ या फिर किसी लेटेस्ट न्यूज के साथ। तब तक बने रहिए और देखते रहिए एंटरटेनमेंट फॉर यू।